उसे सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा यार, ये बगल में जो घंटी का आइकन है इस पे भी क्लिक करो ताकि आप देख पाए मेरे फ्यूचर वीडियोस को सबसे पहले। हेलो गाइस, मैं हूं सोनू, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सोनू स्टार्क पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ 12 टिप्स जिससे कि आप अपने सर्चिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही एडवांस सर्चर आप बन सकते हैं, वो भी गूगल पर। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज गूगल एक्चुअली वो गूगल ना रहकर अलादीन का चिराग सा हो गया है। जो भी कुछ आप सर्च करिए उसमें फटाफट वो दे देता है, बस लिमिटेशन यही है कि वो बाहर निकल के आपके सामने नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने सर्चिंग स्किल्स को गूगल पे इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ एक एडवांस सर्चर भी बन जाएंगे। और आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ कीवर्ड्स जिसका इस्तेमाल आप करके बहुत ही बेहतर यूजर बनने वाले हैं। ओके, नंबर 12th है, वो है इधर 30 और दैट का इस्तेमाल करके। दैट मीन्स आप एक वर्टिकल बार सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और आप सर्च कर सकते हैं। सिंपली आपको इसके लिए गूगल पे जाना होगा, गूगल सर्च बॉक्स पे आप टाइप करें और टाइप करते समय आप लगाए वर्टिकल बार सिंबल को। और इसका मतलब ये होगा कि आपके पास है दो चॉइसेस, आप ढूंढना चाहते हैं एक ही समय में दो चीज़ों को और आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्टिकल बार सिंबल और देन फिर आईफोन। और इतना करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इससे जितनी चीज़ें होंगी वो आपके सामने फटाफट आ जाएगी। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सर्चिंग यूजिंग टिल्ड सिंबल। टिल्ड सिंबल के इस्तेमाल करके आप दो कीवर्ड के बीच में ये लगाना है और लगाने के बाद आप उससे रिलेटेड जितनी तरह के टिप्स, ट्रिक्स और जो भी कुछ होगा वो आपके सामने में सर्च करने के बाद आ जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सर्चिंग विद इन वेबसाइट। सर्चिंग विद इन वेबसाइट से आपको बहुत ही जल्दी से फटाक से जिस जगह पे आपको जाना है, जो चीज आपको खोजना है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में, वो आप आसानी से खोज सकते हैं। जैसे कि आप www.babeloft.com में अजीत सिंह की मैसअप को ढूंढना चाहते हैं तो आप सिंपली डायरेक्टली आप उसको ढूंढ सकते हैं गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर। ओके, जो नेक्स्ट है वो है द पावर ऑफ द एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब कि स्टार की साइन, और स्टार की साइन का इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि एक वाइल्ड कार्ड भी होता है ये। आप इसका इस्तेमाल गूगल के सर्च बॉक्स में कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी फ्रेज जो आपको ढूंढना है वो आपकी शुरुआत को कुछ लेटर याद आ रहे हैं, बाकी के कुछ सिंबल्स याद आ रहे हैं, बाकी शुरुआत के कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं और बाकी के वर्ड्स आपको लास्ट के नहीं याद आ रहे, तो सिंपली आप दो वर्ड लिखिए द राइम, उसके बाद अब स्टार लगा के छोड़ दीजिए तो आपके पास सामने आ जाएगा जो आप खोजना चाह रहे थे। ओके, जो नेक्स्ट है वो है व्हेन लॉट्स ऑफ वर्ड्स आर मिसिंग। तो इसके लिए एक आपको कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा अराउंड, और उसके बाद आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा द अप्रॉक्स नंबर ऑफ द मिसिंग वर्ड। जैसे मान लीजिए द राइम, उसके बाद मुझे आगे का नहीं पता है तो मैंने लिखा अराउंड, फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया 3, 4, 5 जो भी आप लिखना चाहें अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ वर्ड जो मिसिंग है, उसके बाद क्लोज करिए ब्रैकेट को, फिर लिख दिए लास्ट वाला कोई वर्ड या फिर कुछ भी ना लिखे हैं। देन उसके बाद आप सर्च करेंगे तो फटाफट वो आपके सामने आ जाएगा जो उसका रिजल्ट होगा। ओके, जो नेक्स्ट है वो है यूजिंग अ नंबर रेंज। नंबर रेंज इस्तेमाल बहुत ही सिंपल, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ढूंढना है 1900 से लेकर 2000 तक के बीच में हुई जितनी डिस्कवरी है आप उसके बारे में खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं क्या क्या खोज हुई है, सब कुछ आप कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो आप कोई मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो मोबाइल परचेस का समय अपना रेंज को भी इसी तरह से बता सकते हैं यूजिंग ट्रिपल डॉट। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सर्चिंग फॉर अ टाइटल और URL। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि मान लीजिए कि आप खोजना चाहते हैं वेबसाइट पर कुछ ऐसी पर्टिकुलर टाइटल जो आपको टाइटल से जाना है, या फिर आपको खोजना है कुछ पर्टिकुलर URL ताकि आप उस पर क्लिक करके पर्टिकुलरली किसी दूसरे जगह पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप इन टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन टाइटल के बाद आपको लगाना है कोनल और बाद में लगाना है जो भी कीवर्ड है। ध्यान रहे, इसमें कहीं पर कोई भी स्पेसिंग नहीं होती है। ओके, जो नेक्स्ट हुआ है फाइंडिंग सिमिलर वेबसाइट। तो सिंपल इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे रिलेटेड और कॉलन। तो रिलेटेड के बाद आप कॉलन लगाइए, फिर कोई स्पेस मत दीजिए, आप कुछ भी खोजिए कोई वेबसाइट से www.flipkart.com और इस तरह के जो ऑनलाइन शॉपिंग की जितनी वेबसाइट है वो आपके सामने सर्च करने के बाद आ जाएगी। ओके, जो नेक्स्ट है वो है होल फ्रेजेस। मान लीजिए अगर आपने कोटेशन के अंदर अगर आपने कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज को नहीं लिखा है तो जैसे आप उसको सर्च करेंगे तो वो जगह जगह से एक डिसऑर्डर में आपको दिखा देगा, बट
अगर आपने कोटेशन का इस्तेमाल किया और आपने कुछ भी सर्च किया, जैसे अच्छा सिला दिया, मैं तुमको चाहूंगा, तो इस तरह के कुछ भी आप इसको सर्च करते हैं इनवर्टेड कॉमा के अंदर, तो आपको इस पर्टिकुलरली ऑर्डर में ही सर्चिंग रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर आप सॉन्ग वगैरह को खोजने में कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है वो है अनइम्पॉर्टेंट सर्च वर्ड्स। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बुक्स को या किसी भी चीज को खोजना चाहते हैं और उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज को आप नहीं चाहते हैं कि वो सर्च करे या सर्च ना भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया ऑल ट्रस्टिंग बुक्स, उसके बाद लगाया स्पेस, फिर माइनस बाय, मतलब बाय मैं नहीं करना चाहता, बाकी आप जो भी दिखा दो गूगल महाराज सब ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है डिफाइनिंग द वर्ड एंड द लर्निंग वेयर दे कम फ्रॉम। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। डिफाइन का मतलब ये है कि आपको डिफाइन कर कोई वर्ड बताएगा, इसके लिए आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा डिफाइन, उसके बाद कॉर्नर, और उसके बाद जो भी कीवर्ड को आप ढूंढना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं एक्चुअली इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है और इसका क्या मतलब है, वो आप सब कुछ इससे जान सकते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर सर्च किया, तो कंप्यूटर सर्च करके मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप एटीमोलॉजी में भी कर सकते हैं। तो एटीमोलॉजी क्या होता है, एक्चुअली ये होती है शब्द की उत्पत्ति, की उत्पत्ति हुई किधर से, तो आप इसको भी सर्च कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बस कर लीजिए यार सर, जो आप मन करे। ओके, जो लास्ट है वो है फाइंडिंग अ स्पेसिफिक फाइल। यार दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको कुछ भी खोजना है, जैसे पीडीएफ फाइल, डॉक फाइल, पीपीटी फाइल, एक्सेस की फाइल, एक्सेल की फाइल, या जितनी भी तरह की फाइल दुनिया में एक्सिस्ट करती है, आप उन सब को जानना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, आप सर्च बॉक्स में लिखिए फाइल टाइप, फिर कॉर्नर, उसके बाद स्पेस, देन फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम जो आप ढूंढना चाहते हैं, आप उसका नाम लिखिए और उसका कीवर्ड लिखिए और देन फिर आप सर्च कर लीजिए। तो यार दोस्तों यही थे कुछ 12 अमेजिंग टिप्स जिसको आप जान लेने के बाद आई थिंक कि आप अच्छे यूजर बन सकते हैं, आप अच्छे सर्चर भी बन सकते हैं और आप किसी भी चीज को फटाफट खोज सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, प्लीज लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको इन सभी 12 में से कौन सा ज्यादा अच्छा आपको लगा, टिप्स जो आपके लिए बेहतर है, या पहले से आप कौन कौन सी चीजें जानते थे, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।